हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं सेल्यूलर के बारे में बताने वाला हूं, उसका कंपैरिजन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको नाम बता दें, तीन सेलुलर पॉपुलर है और एक सेलुलर सुस्त है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की है। आप समझ चुके ही होंगे, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि क्या है वीडियो में। तो गाइज, सबसे पहले नाम आपको बता दें, जियो, एयरटेल, VI, तीन सेलुलर इधर है और एक सेलुलर जो है BSNL, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की है, वो एक तरफ अभी। और ऐसे में अभी ताज़ा न्यूज आ रहा है गाइज, तीनों को बढ़ते प्लान के चलते, जो जुलाई 4 जुलाई से प्लान को बढ़ाया गया है, वो बढ़ते प्लान के चलते क्या लोग BSNL को अपनाएंगे? जी हाँ गाइज, तो यही आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि BSNL कंपैरिजन, इधर जो तीनों सेलुलर है, इस तीनों में और BSNL में कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन कितना डिफरेंट है और किसका प्लान कितने डिफरेंट है और लोगों को कौन सुविधा दे रहा है, ये आज की प्लान में जानेंगे। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और तीनों का प्लान पता करते हैं कि क्या है। तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए और सबसे पहले जियो का बात करते हैं। आपको पहले दिखा दें कि देख लीजिए, 3 जुलाई 2024 का जो ये इसका प्लान है वो लॉन्च किया गया। आपको सिर्फ डेट दिखा रहे हैं, तो इसके जिससे आप बोले ना कि ये फेक है या फिर गलत। एयरटेल गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि एयरटेल है, इसका भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि 3 जुलाई आप लोग देख सकते हैं, 3 जुलाई इसका भी प्लान 3 जुलाई का लॉन्च हुआ है। ये वोडाफोन का भी आप देख सकते हैं, VI का जुलाई 4, 2024 को न्यू प्लान्स लॉन्च किया गया है। और गाइज, ये रहा BSNL का, जो कि जुलाई 2024 में ये भी लॉन्च किया गया। अब ये सभी का कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि सभी के प्लान्स में क्या बेनिफिट्स है, क्या अंतर है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग जियो, एयरटेल और VI के कंपैरिजन कर लेते हैं और ये तीनों का कंपैरिजन BSNL से किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं मंथली पैक जियो का। जियो में आपको अभी पहले लग रहा था 209 रुपया 239, लेकिन अभी लग रहा है मंथली प्लान 28 दिन का, 1 GB का लीजिएगा तो 249 रुपये, और 1.5 GB लीजिएगा 28 दिन के लिए तो 299 रुपये, 2 GB लीजिएगा 28 दिन के लिए तो 349 रुपये, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। एयरटेल का बात करते हैं, एयरटेल में भी अगर आप 28 दिन के लिए लेते हैं तो 299 रुपया लगता है 1 GB के लिए, और 349 रुपये लगता है 28 दिन के लिए 1.5 GB का। कहने का यह है कि जियो से थोड़ा अधिक है एयरटेल, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, 28 दिन के लिए जियो में 1 GB का 249 लग रहा था, एयरटेल में 299 लग रहा है। वहीं पर VI का भी, एयरटेल और VI दोनों सेम, आप देख सकते हैं कि 28 दिन के लिए 1 GB का 299 लग रहा है और 28 दिन के लिए 1.5 GB डाटा का 349 लग रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं जियो, एयरटेल और VI। अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं BSNL से कि 28 दिन का कितना लग रहा है। गाइज, ये BSNL का आ गया है। BSNL में आप लोग देख सकते हैं कि जो उसमें 249 रुपये में जियो में 1 GB 28 दिन के लिए ले रहे थे, वहीं पर BSNL में आप लोग देख सकते हैं कि 249 रुपये में अनलिमिटेड कॉल्स, 2 GB पर डे डाटा एंड वैलिडिटी 45 दिन का। गाइज, इससे आप कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही लो प्राइस है BSNL का, ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट की है। तो अब इससे कुछ ज़्यादा कहना ही नहीं गाइज, सभी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कितना सस्ता पैक है। तो गाइज, आप लोगों ने देखा कि चारों का प्लान अलग अलग, जिसमें से BSNL की सभी, अभी जो सभी प्लान है BSNL की, वो सारे तीनों सेलुलर से कम है। मंथली प्लान हो या फिर ईयरली प्लान हो, आप लोगों ने देखा कि सारे प्लान कम है। और आज की वीडियो में जो बताना था मैं बता चुका हूँ। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप किस सिम को यूज करते हैं, किस सेलुलर को यूज करते हैं। मैं सलाह दूंगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की BSNL अगर अच्छी सुविधा दे रही है तो उसको ही यूज करना ठीक रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जाते जाते आपको बता दें कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।